कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं अभी ठीक ठाक हूँ। शुरू करते हैं जी आज अपना व्लॉग। आज का व्लॉग ये है कि छत का बहुत बुरा हाल हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखें, 3 दिन से तबीयत ख़राब थी तो इसलिए छत की सफाई नहीं कर सके। कबूतर बाहर घूम रहे हैं, चिंटू बेचारा गर्मी से, इसको नहलाएंगे अभी। इसको अकड़ोक नहीं बैठाया हुआ तब भी बैठी हुई है। मुर्गी भी अकड़ोक उठा दिए जी कल, ये देखें माशाल्लाह से। 13 अंडों भी अकड़ोक उठा दिए और चूजे बादशाह बाहर है। और बिल्लियाँ नीचे ले गया हूँ मैं एसी वाले कमरे में, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपको पता है वो ऊपर नहीं रह सकती, उनको बाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं। मुर्गियाँ उधर बैठी हैं, उनको भी ताज़ा पानी डालते हैं। तो पहले ज़रा छत की सफाई कर लें, पूरा छत साफ हो गया। अभी इसको निकालते हैं, ये भी आए बाहर खाने के लिए, तोते को नहीं डाला। अभी इन सारों को खुराक डालते हैं। चिंटू भी खा लेगा। दो कबूतर नीचे हैं, दो ऊपर बैठे हुए हैं, इनको भी निकालते हैं। अभी सबसे पहले पानी डाल देते हैं सारों परिंदों को। 13 अंडे उसके नीचे रखे हैं और ये आपको दिखाया नहीं था, ये हम नया लाए थे। सब्र, ज़रा खोलता हूँ मैं दरवाज़ा, ये देखें जी, ये नया तोता। पहले जो 2 लाए थे, एक उड़ गया था और एक मर गया था, और अब ये लाए हैं एक, इसके साथ दूसरा भी ले आएंगे 1-2 दिनों तक। और अब हमारा प्लान बन रहा है कि इसके ऊपर छत डाल के और फिर लके कबूतर लाएँ, ठीक है, लके कबूतर लाएंगे, फिर उसमें लके कबूतर रखेंगे। अभी ज़रा इनको पहले पानी डाल लें। शाम के टाइम तो मौसम कुछ ठीक हो जाता है, आज भी कुछ सूरज निकला हुआ है लेकिन थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले तक ना बुरा हाल हो गया था मेरा, ना पूछें, झाड़ू लगा रहा था जब, तो अभी जाएंगे नहाने भी, 12 पे जाते हैं नहाने, दोस्तों को भी बुलाते हैं, तो अभी निकलते हैं यार, नहाने के बगैर गुजारा नहीं है। आज जुम्मा था तो जुम्मा शुमा पढ़ आए थे, अभी इसको निकाल के नहलाते हैं उधर। ये देखेंगे इसको इधर छोड़ेंगे, ये भूखा हुआ है, इसलिए नहीं आ रहा। अभी खा पी लें फिर इनको बंद करते हैं। बकरियाँ तो बाहर गई हुई हैं, ठीक है, उनमें से एक बकरी हमने सेल कर दी है कुर्बानी के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।